आप न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं उसमें कंफर्टेबल गाड़ियों आप देखना चाहते हैं तो हैचबैक में तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, तो आपको देखनी होगी सेडान गाड़ी, जैसे कि आपकी मारुति की डिजायर आती है, हुंडई की और आती है। लेकिन अगर आप सेफ्टी देखना चाहते हैं यानी सेफेस्ट गाड़ियों की तरफ आप जाते हैं तो टिगोर एक बेस्ट ऑप्शन है सेडान सेगमेंट में ही। इसमें आपको GNCAP द्वारा 4-स्टार रेटिंग मिली हुई गाड़ी मिलती है। बाकी इसमें CNG का ऑप्शन अवेलेबल है करंटली जो काफ़ी अच्छा माइलेज भी देता है। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं टिगोर का, ये आपके साथ जो वेरिएंट शेयर किया जा रहा है XZ वेरिएंट है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इसके बाद आता है XZ प्लस, हालांकि आप चाहें तो इसका बेस मॉडल भी ले सकते हैं। प्राइस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, फीचर्स में जो डिफरेंस है शेयर किया जाएगा, प्लस इसमें आपको चला प्लस माइनस पॉइंट है सब कुछ आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। और आपके सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और अगर UP वेस्ट से हैं खास तौर से तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। और बिल्कुल आप अपने नियरेस्ट शोरूम पर भी कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर देखिए और कंपेयर कीजिए, जहाँ बेस्ट ऑफर मिलता है वहाँ से आप गाड़ी परचेज कीजिए। तो टिगोर XZ का डिटेल्स रिव्यू शेयर किया जा रहा है जिसमें आपके साथ इसकी ऑल डिटेल शेयर की जाएंगी, चाहे वो प्राइस है, पावर है, कम्फर्ट है, फीचर्स है, जो भी हमें फील होता है आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। और हमारे साथ हैं फिलहाल टाटा मोटर्स की तरफ से त्यागी जी, बताइए सबसे पहले टिगोर के बारे में, वेरिएंट हम यहाँ पर शेयर कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हम बता दीजिए इसका ₹100 अप्रॉक्स कितना है? जो हवा से करेंगे वो अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है, उससे माइलेज बेटर होगा, परफॉर्मेंस बढ़ती है, एयर कटिंग अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो माइलेज होता है। दूसरी चीज सर ठीक है, क्या ग्रेड आती है इसकी सर, पियानो प्लस आप क्रोम ग्रेड आ जाते हैं इसमें ठीक है ना, आपके फ्रंट प्रॉब्लम आ जाते हैं सर, जो कि 9 mm बढ़ाते हैं, फॉग में आपको विजिबिलिटी में काफ़ी हेल्प करते हैं और नाइट की विजिबिलिटी के अलावा इसके अंदर आपका टच टच XZ में तो ये वाला रहता है, XZ प्लस में वो मिलेगा टच वाला, टच वाला मिलता है। हाँ जी, आपको साथ साथ आपको स्क्रीन पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑडियो ठीक है, ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको ठीक है। टच स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है आपको, स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है गाड़ी ठीक है। तो ये फीचर और वो बढ़ जाते हैं, बाकी आपके क्रोम फिनिश आ जाते हैं, जो AC वेंट्स हैं वो क्रोम फिनिश में आ जाते हैं सर, जो काफ़ी गाड़ी इंटीरियर को काफ़ी अच्छा कर देते हैं, काफ़ी अच्छा बनता है। हाँ जी, कोई सिस्टम है? हाँ, टेल डिस्प्ले आती है सर, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हाई कम्फर्ट के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। चार पावर विंडोज आती हैं, जी सर, अच्छा CNG के वेरिएंट में इसमें अगर बात करें तो अप्रॉक्स 11 35 26 से इतना है इसका माइलेज, अगर हम बात करें 28 का सर, अभी जो आ रहा है वो 28 का आ रहा है सर, और अच्छी पावर की बात करूँ 73.4 की आ रही है सर। अच्छा अच्छा, पावर भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बैक में और चलते हैं रियर में देखते हैं कितना कम्फर्ट है। अगर बात करें सर कम्फर्ट की, तो कम्फर्ट बहुत अच्छा है, आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे थे, और आप बताएं कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट बैठर है, लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है सर आपको, आप बिल्कुल पोजीशन आप आगे ले लेते हैं सीट पे, को ड्राइवर तब भी बैठर है यहाँ पे, स्पेस जो है लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है, मेरी 6.6 हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास लेग रूम बहुत अच्छा है, अभी का कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, हैंडल्स मिल जाते हैं आपको, स्पेस भी है वो तो नॉर्मल हैचबैक से ज़्यादा इसमें मिलता ही मिलता है, पीछे भी आपको सर पावर विंडोज मिल जाती है गाड़ी में, पावर विंडो XZ से ही आती है, इस वेरिएंट में ही आता है, इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है, अच्छे फीचर XM में भी आ जाती है आपकी कार। अच्छा, जैसे नॉर्मली एक पॉइंट्स में बात करें, जैसे जो XZ है या XZ प्लस है, डिफरेंस अप्रॉक्स कितने प्राइस का रहता है दोनों में? 50,000 करीब का डिफरेंस आता है, जैसे पिछला जो वेरिएंट XM है
इसमें भी 50 के करीब डिफरेंस लगभग, तो 28 के करीब आप यहाँ पे बता रहे हैं। प्लस जो है देखो ड्राइवर के चलाने के ऊपर भी है, ज़्यादा भी निकल सकता है, नॉर्मली बात है। ये सारे कंडीशन रोड कंडीशन और ड्राइविंग पे डिपेंड करते हैं कि हमारी गाड़ी चल कहाँ रही है। तो कंफर्ट भी है फ्रेंड्स यहाँ पर। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में बताया, आप सेडान में कंफर्टेबल देख रहे हैं, ऑप्शन मार्केट में बेशक बहुत है, लेकिन सेफ्टी पर देख रहे हैं वो आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाकर, खुद खुद पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर बूट स्पेस पर। मेन पॉइंट होता है जो भी आदमी गाड़ी खरीदता है देखता है कि वो किसी भी ड्राइविंग पे जाता है तो कुछ उसे सामान वगैरह रखने की आवश्यकता चाहिए। सीएनजी गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है, हालांकि स्पेस कम होता है, लेकिन इसमें टिगोर में कितना है नॉर, अगर आप इसे बिना सीएनजी के बात करें तो कितने लीटर आता है ये? अगर विदाउट सीएनजी की बात करें तो इसमें 490 लीटर का बूट स्पेस, 419 लीटर का आता है, 419 लीटर। अभी इसमें सीएनजी है, सीएनजी की अगर बात करता हूं तो 205 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, तो काफी सफिशिएंट होता है, यानी 205 अभी शेष है, 205 लीटर बूट स्पेस। अब इतना स्पेस देखिए आप दोस्तों, आपको खूब नजर आ रहा है इसमें। प्लस जो हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम आप यहाँ भी अपने बैग कैरी कर सकते हैं सर, देखिए देखिए यहाँ से इतना, अब इसे आप प्लस कहेंगे पॉइंट को या माइनस, देखिए प्लस पॉइंट ये रियली तो ये कि आपको स्पेस यहाँ भी मिल रहा है कि आप नीचे सामान रख रहे हैं आराम से, यहाँ भी है और तो स्पेस तो यहाँ तक भी है, अपना सामान तो आप रख सकते हैं चारों तरफ को। तो दोस्तों ये थी फुल डिटेल्स एक ऐसी सेडान सेगमेंट की गाड़ी की जो आपको कम्फर्ट देगी, बेस्ट फीचर्स देगी, बेस्ट लुक देगी और सबसे बड़ी बात सेफ्टी देगी। अगर आप सेफ्टी को मैटर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। प्लस आप प्राइस पर कंपेयर करके देखिए सेम सेगमेंट की गाड़ियों को। तो त्यागी जी अब इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए, अगर हम प्राइस पे भी कंपेयर करते हैं सेम सेगमेंट की गाड़ियों में तो प्राइस में तो डिफरेंस आता नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि अब जैसे हमने कंपेयर किया था आपका कुछ समय पहले एक रिव्यू डाला था इस पर, आपका वैगनार का सीएनजी वेरिएंट था और टियागो का, दोनों का जो हमने यहाँ पर कंपेयर किया तो वैगनार वहाँ पर थोड़ी महंगी हमें नजर आ रही है। इसी तरीके से आप कंपेयर करेंगे सेम सेगमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को कुछ गलत फहमी भी होती है बहुत सी गाड़ियों के बारे में, ये महंगी होगी फला ब्रांड की, तो आप खुद जो है थोड़ा क्लेवर बने और वहाँ पर जाके रिसर्च कीजिए। प्लस एक चीज और इंक्लूड कीजिए दोस्तों, हमारे कहने से आप गाड़ी किसी भी ब्रांड की परचेज करें हमेशा सेफ्टी पर फोकस करें, क्योंकि मिड वर्क का कस्टमर जो भी व्हीकल परचेज करता है चाहे वो एंट्री लेवल है मिड लेवल है, उसके लिए लाइफ लॉन्ग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज परचेज कर रहा है कल सेल कर देगा, लाइफ लॉन्ग यानी काफी समय तक यूज करता है, 10 साल 12 साल। तो इन सारे पॉइंट पर फोकस करिए, कंफर्ट लीजिए, थोड़ा बहुत पैसों पर भी इतना फोकस ना करें, प्लस सेफ्टी 100% लीजिए। अगर आप भाई आपकी फैमिली को लेकर चलते हैं गाड़ी में तो सेफ्टी सबसे पहले मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं होता है, सेफ्टी होनी चाहिए। exactly. किसी भी ब्रांड को लें, हम ये नहीं कहते हैं आप टाटा की लें, आप सेफ्टी वाले पर टेस्ट करिए। आप चाहे हैचबैक लेते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हैं, एसयूवी लेते हैं, किसी भी ब्रांड की, सबको कंपेयर करिए। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर हमसे आप पूछ सकते हैं लाइव में, डेली हम आपके लिए लाइव करते हैं इंस्टाग्राम पर, कमेंट्स में लिखते हैं उनका विदिन 24 आवर्स में आंसर दिया जाता है। तो सेफ्टी इज द फर्स्ट, अगर आप सेफ्टी पर फोकस करते हैं तो आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको सपोर्ट क्या मिलेगा त्यागी जी से, अगर आप वेस्ट यूपी से हैं तो आप त्यागी जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको दिया ही जाएगा, फुल एड्रेस दिया जाता है। प्लस आपको अगर बेनिफिट लगता है कि हाँ भाई हमें यहाँ पर गाड़ियाँ कंपेयर करने से 10,000 5,000 या जो भी बेनिफिट है, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। तो त्यागी जी अगर मैं दिवाली का अगर ऑफर की बात करूँ तो त्यागो और टिगोर सीएनजी, त्यागो सीएनजी पे टाटा मोटर्स की तरफ से 30,000 का ऑफर आ रहा है कैश डिस्काउंट, 30,000 का, ठीक है सर। और टिगोर अगर सीएनजी की बात करें तो 25,000 तक का आपको बेस्ट ऑफर मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस 10,000 एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा, प्लस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको 10,000 रुपये तक। तो इस समय भर भर के दे रही है टाटा मोटर्स, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट्स में लिखिए, उसका विदिन 24 आवर्स में आंसर दे दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, सेफ्टी इज द फर्स्ट।